सो हे गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल टेकी ग्रो। आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से अपने WHMCS में पेटीएम मॉड्यूल को ऐड कर सकते हैं। ओके गाइस, सबसे पहले आपको अपना सी पैनल ओपन करना है और इधर फाइल मैनेजर सर्च करना है। एंड देन आपको उस डायरेक्टरी में जाना है जिधर आपने अपना WHMCS इंस्टॉल किया है। नेक्स्ट आपको मॉड्यूल्स वाले फोल्डर में जाना है और गेटवेज वाले फोल्डर में जाना है। ओके, इधर हम अपने पेटीएम मॉड्यूल को अपलोड करेंगे और इस मॉड्यूल को मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इसको आप 6x वाला जो लेटेस्ट वर्जन है इसको अपलोड करेंगे। सबसे पहले मैं paytm.php इधर अपलोड करनी है आपको और इसको जिप बना लेता हूं। ठीक है, सो अभी हमने जो जिप फाइल बनाई है इसको इधर अपलोड कर देंगे। ऑलराइट गाइस, अभी इस जिप को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। और इधर से इस जिप को डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट आपको कॉल बैक वाले फोल्डर को ओपन करना है। अपलोड करना है आपको कॉल बैक डॉट PHP वाली फाइल। ठीक है, सो अभी हमारा पेटीएम मॉड्यूल पूरी तरह से अपलोड हो चुका है। अभी हम अपना WHMCS एडमिन डैशबोर्ड ओपन करेंगे। ठीक है, इधर सेटिंग्स वाले ऑप्शन में जाना है, सिस्टम सेटिंग्स, और इधर आपको सर्च करना है पेमेंट गेटवेज। नेक्स्ट इधर आपको अपना पेटीएम सर्च करना है और इसको एक्टिवेट करना है। तो इधर आप अपने मर्चेंट आईडी एंड मर्चेंट की ट्रांजेक्शन URL डाल के इसको सेटअप कर सकते हैं। उसका सेफ चेंजेस करने के बाद आपका पेटीएम वर्क करने लगेगा। सो ऑलराइट गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।